अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। नहीं, आए थे यूपी में चुनाव लड़ने के सर लिए। आप ये भी क्लियर कर दीजिए, मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं, और अब ये क्लियर कर दीजिए। ठीक सर, भारत में मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं मिश्रा जी, किसानों को पूरा बनाना छोड़िए। आप भी मानते हैं कि 89 में ये क्या करेंगे, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है ना, उन्हीं से जान लेते हैं। चाहे पूनम सिन्हा की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, बिल्कुल बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं। एके मिश्रा जी, देखिए हिंदुस्तान का वोटर तो दुखी है, जैसे कि एच एस रावत जी भी बोल रहे हैं। इस पे पहले हमने डिस्कशन भी किया है कि पैराशूट पॉलिटिक्स की तरह उतर तो आते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स का क्या पी भी जानते हैं। ऐसे में तो अगर हिंदुस्तान का वोटर खुश नहीं है तो कैसे वोट मिलेगा स्टार्स के सहारे बीजेपी को? देखिए, स्टार्स के सहारे जो वोट मिलता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट एक ये होता है कि ठीक है, आपके पास पॉलिटिकल ग्लैमर नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट कैसे होता है, किसी मास को, क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा जो अगर क्वालिटी है वो सक्सेसफुल होता है। तो उनके पास जो अट्रैक्शन है डांस का है, ऑलरेडी उनका परसेप्शन बना रहता है। आप अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लीजिए, जब वो आए थे तो उनके पास कोई पॉलिटिक्स का नहीं था, लेकिन उनके पास एक एडिशनल अट्रैक्शन था, एक सब्स्टिट्यूट था जो पॉलिटिकल अट्रैक्शन का होना चाहिए। तो एक सब्स्टिट्यूट भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और उसी अट्रैक्शन का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक बाइंडिंग होती है, वो वर्चुअल बाइंडिंग होती है, पर्दे के थ्रू जो है एक इमेज बनी रहती है जनमानस के। तो आदमी होता क्या है, उस इमेज को देखते हुए वो ऐसा परसेप्शन बनाता है, हालांकि वो फैक्ट होता नहीं है, लेकिन एक लगाव होता है जिसके कारण उनको वोट मिलते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्यों पॉलिटिशियंस, क्या उनको अपनी रणनीति पे, अपनी बाजुओं पे, अपनी भुजाओं पे, ताकत पे जो है भरोसा नहीं रहा, जो दूसरे लोगों का सहारा लेते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा नहीं रहता है। कॉम्पिटिशन जब बढ़ जाता है तो एक फैक्टर काम करता है, विनेबिलिटी, यानी जीतने की संभावना। तो जीतने की संभावना उनको जहां से लगेगी वो उतारेंगे। आप ये देखिए, कई ऐसे ऐसे लोगों को भी राजनीति में उतारा गया है जो जीतने की संभावना ज्यादा रखते हैं या जिता सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अब एक चीज और बोलूंगा, सारे लोगों को कर लिया, कहीं राजनीति इतनी न गिर जाए, इतनी न गिर जाए कि इंडिया में एक एक्ट्रेसेस बची है, मुझे लगता है अगले चुनाव में उनका भी नाम डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कोई और एक्ट्रेस है कतार में? एक ही बची है, वो अच्छा। पराकाष्ठा होगी जब उनका, उनको कोई पार्टी टिकट दे देगी ना। अच्छा। तो आप समझ लीजिए राजनीति का नाम नाम सत्य हो गया, और ये राजनेता सारे लोग मिलके कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उस एक्ट्रेस का, समझ जाइए। दयाशंकर दुबे जी, देखिए कितनी नाराजगी है, स्टार्स की भरपाई हो गई है, इसमें भरमार हो गई है बीजेपी में। गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, उनका सुन लीजिए। गुरु जी क्या बोल रहे थे आप? क्या कह रहे हैं आप अच्छे रावत जी? ये राजनेता है साहब, सर ये राजनेता है, ये कुछ भी कर देंगे। ठीक है, इनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है सर, छोड़ दीजिए उस नाम की चर्चा, आप छोड़ दीजिए, हम किसी पर निजी टिप्पणी हम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप भी समझ गए, अगर आप भी समझ गए हैं तो दोनों शांत रहिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। देश का मुस्लिम क्या सोचता है, उसके जहन में क्या चलता है जब वो वोट डालने के लिए जाता है? आज पांचवें चरण की वोटिंग कंप्लीट हो गई है, दो चरण बचे। सेकुलर ताकतों के साथ रहा है और वो हमेशा ही चाहता है कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो आईएसआई के एजेंट की तरह काम करती हैं, उन्हें नकारा जाए और उन लोगों को इस देश की बागडोर सौंपी जाए जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन लोगों को साथ। देश का मुसलमान उन लोगों को साथ, उन्हें समर्थन करता है और उन्हीं के साथ में उन्हें मतदान करना चाहता है अपना। हालांकि ये बहुत निजी मामला है वोट का, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वोट वोट का होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि एक पार्टी विशेष है जिसके नेता अक्सर ऐसी भाषा बोलते हैं जो समाज में जहर फैलाने का काम करती है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, मुद्दों से भटकाने का काम करती है। और दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग हैं सर, देखिए ओवैसी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता माना ही नहीं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ओवैसी को तो कभी मुसलमान ने अपनाया ही नहीं। ओवैसी आए थे यूपी में चुनाव लड़ने के। सर आप ये भी क्लियर कर दीजिए, मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं, और अब ये क्लियर कर दीजिए। ठीक सर, भारत में
मैं आप में मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं? ओवैसी आए थे यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। सर आप ये भी क्लियर कर दीजिए मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं, और अब ये क्लियर कर दीजिए। ठीक सर, भारत में भारत में मुसलमान किसको अपना नेता मानते हैं? मोदी को मानते हैं, मुलायम को मानते हैं, सोनिया गांधी जी को, राहुल, आप किसी को भी बोलिए या किसी पौराणिक व्यक्ति को बता दीजिए जो 100,000 500 साल पहले था, किसको नेता मानते हैं पहले यही क्लियर कर दीजिए, फिर डिबेट आगे बढ़े। उन्होंने बताया ना सेक्युलर के साथ, जो सेक्युलर लोग हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो समाज में आपसी आइडेंटिफाई करिए ना। मैं करता हूं हिंदू मुस्लिम एकता की बात। देखिए आप सारे मुसलमानों का नेता मैं हो गया, सबका साथ सबका विकास लेकर चलिए। आप कोई आप पर्सनली कोई पार्टी नहीं है। अरे नेता की बात कर रहा हूं, पार्टी के साथ देखिए, मैं गंगा जमुनी तहजीब की बात करता हूँ, तहजीब की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ। आप हमारे भाई हैं, बिल्कुल तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों का मैं इकलौता नेता हूं। अभी आपको बताता हूं मैं, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस, देखिए ये है कंफ्यूजन। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये कंफ्यूजन नहीं है, बताता हूं मैं आपको, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस, देखिए ये है कंफ्यूजन। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस, ये कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी है, आचार्य है, देखिए सुनिए, अरे बात सुनिए पहले पूरी। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण वो नेता है सारे। मैं ये कह रहा हूँ देश को मुसलमानों के नेता तो कोई भी नहीं है, पहले मुसलमानों को चाहिए कि अपने आप को पहचानिए आपका नेता कौन है, नहीं तो हर बार कभी कांग्रेस को जाओगे आप, कभी बीजेपी को जाओगे, कभी ओवैसी को जाओगे, बीजेपी मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से कोशिश नहीं है कि वो साबित करे कि वो ये कोशिश में लगी है कि ओवैसी नहीं 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 भाइयों के फायदे नहीं 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 फायदे की बात नहीं है साहब, ये फायदे की बात नहीं है, ये नुकसान की बात है। हाँ नुकसान की बात है, मुसलमान देखो अपना नेता ही नहीं डिसाइड कर पाए, ये नुकसान देखिए नुकसान बात कर रहे हैं, नुकसान की बात है, नेता कैसे डिसाइड करें साहब, एक बात बताइए। अच्छा एक सेकंड, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इंडिया के मुसलमानों का नेता, मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो लोग हैं उसे नेता मानेंगे, देखिए वो लोग सबके अपने विचार हैं, सबके अपनी चॉइस है। एक सेकंड शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, वालों के नेता हैं कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं, लखनऊ से आचार्य प्रमोद कृष्णा, उनका जिक्र कर रहा हूँ मैं, पिछले 5-6 साल से उनके संपर्क में, उन्हें जानता हूँ, वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और धार्मिक गुरु भी हैं। ठीक, उन्हें जितना सम्मान हिंदू समाज में मिलता है उससे ज्यादा सम्मान मुसलमान को मिलता है। नहीं सपोर्ट कांग्रेस के साथ नहीं है इसमें, मैं व्यक्ति और वो कितना सम्मान करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात, गोपाल कृष्ण को आप चक्रपाणि जी से बात करते हुए सुने थे क्या? सुनिए साहब, कितना सम्मान किया था दूसरे दिन पत्रकारिता जगत से, हम तो उन लोगों को भी जानते हैं, मार डालने की धमकी नहीं, नहीं, हम तो उन लोगों को ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं जो कठुआ में एक बच्ची के रेप के जो सहिष्णुता के साथ रहे उसे बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हम तो उन्हें भी जानते हैं, नहीं भाएगा, नहीं हम उन्हें भी जानते हैं, उसने स्कॉलर है, हम उन्हें भी जानते हैं, इस लिहाज का साथ और का विकास है। मेरा सवाल है जयशंकर, दूसरी बात जयशंकर दुबे जी, फिर आप नाराज हो जाएंगे, देखिए अगर मैं बीच में रोकूंगी तो, हिंदू धर्म गुरु से मेरा सवाल है, एचएस रावत जी मेरा सवाल यह है कि आज अगर हिंदुस्तान में किसी टीवी चैनल पे कोई मुस्लिम मोदी सरकार की तारीफ कर दे तो वो ब्रेकिंग न्यूज क्यों बन जाती है? क्या मुस्लिम देश का नागरिक नहीं है? या देश की एक सोच हो गई है कि मुस्लिम मतलब मोदी विरोधक, भारतीय जनता पार्टी सेक्ट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर पार्टी है और अभी देखिए आरएसएस की एक विंग है मुस्लिम मंच, उसमें बहुत सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं, वो कैसी मंच है, इंद्रेश कुमार जो उसका नेता है आज मेरे ब्लास्ट का आरोपी है, आप कैसी बात कर रहे हो, कि वो हिंदू लोग कहां से लेके आए, सेक्युलर पार्टी है, कितने मुसलमानों को निकल गया भारतीय जनता पार्टी ने, कहां से ले आया भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर पार्टी है, आपके नेता आपके तो सेक्युलर पार्टी चैनल पर बैठे हैं, कभी सुना है क्या कि मंदिर के स्थलों पर कुछ नहीं होगा और कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई जाएगी, यही तो जिंदगी बाकी है जब से शासन में है, समझ के हिसाब से और ये कांग्रेस जो करती है 27 साल यूपी के हाथ से और यही है, मतलब क्या होता है, वजह यही है, क्या आप भाई कौन करना चाहते हो, आए तो उनको टिकट मिलेगा,
नहीं नहीं मुझे सेक्युलरिज्म क्या होता है, सारे पार्टी वाले अपने अपने ओपिनियन जरा बता दीजिए कि आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नहीं बात में बीजेपी कांग्रेस की नहीं। रोहित अग्रवाल सभी की बातों में बार बार आ रहे हैं। किसान जो कुछ किसानों को मिला है आज तक राष्ट्रीय लोकदल नहीं तो देखिए, अगर आज में किसी आज में अगर किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में भागीदारी नहीं रही, गन्ना किसानों के लिए संघर्ष करने का निरंतर काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया है। जो है किया कैसे किया मोहरा बना, राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा किसानों के साथ खड़े रहने का काम किया है। मिश्रा जी किसानों को मोहरा बनाना छोड़िए सर, मानते हैं कि 89 में 89 में जब विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार बनी थी तब से इनका एक ही ध्येय रहा है, एक मंत्रालय एक दिल्ली में घर और एक साथ। यदि इनको इतना ही जोर था तो छोड़ के बागपत भाग गए, 10% भी नहीं होता है। ये पिछली बार भी 5 साल तरस गए थे की बात कि एक विपक्ष का नेता बना ले वो भी 10% पर ही होता है, ना वहाँ बना पाए ना यहाँ बना पाए, और इस बार भी साते पलट के पड़े हैं। इनको आगे की सोचना चाहिए। और खुद आपकी राजनीति की ये डिमांड है कि आपको 14 घंटे रोज काम करना है। नाउ पॉलिटिक्स इट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट इज ए फुल टाइम जॉब। आप हारे या जीते आपको हमेशा काम करना है, संसद में करना है। चूंकि राजनीति अगर हारे हैं तो आपको जमीन में करना है। मौसम के हिसाब से आते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आते ये, और चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी वहां पर डेराडाली हुई है। चूंकि चुनावी दौर चल रहा है, सब अपने जीतने के दावे भी कर रहे हैं, और देखिए चुनावी मौसम भी है, हर उस जगह बताया जा रहा है जहाँ आपने पिछले 5 साल में जाकर नहीं देखा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। We'll be right back.